प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता, कि आपने हमें संभाला, आपने हमें बुद्धि, आपने ज्ञान और सब कुछ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई ने आज विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं ताकि हम प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखें। विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि विश्वास के ही द्वारा, क्योंकि मैं हर बातों में विश्वास बोलता हूँ, क्योंकि विश्वास हमारी जो होती है ताकत होती है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी ताकत होती है, वो परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि परमेश्वर जिस तरीके से मनुष्य के जीवन में काम करते हैं, जिस तरीके संसार और पृथ्वी की रचना करते हैं, उसी तरीका हमें भी भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह और हमारा जो परमेश्वर है, अगर वो मुँह से कह करके अपने वचनों के माध्यम से इस संसार की रचना कर सकता है, तो आज अपने जीवन की बीमारियाँ और दुख तकलीफ कर्जे बंधन श्राप से मुक्त नहीं हो सकते होते। आज विश्वास रखना इस शाम के टाइम और रात के समय जो लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखना, भरोसा रखना, जब हमारा परमेश्वर अपने मुंह से बोल करके इस पृथ्वी की रचना कर सकता है, तो आज हमारे जीवन को अपनी जो हमारा परमेश्वर हमें शरीर दिया है उसको हम चंगा भी कर सकते हैं बोल करके। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो बोलने में परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, जो ताकत दी है, वो आज भी हमारे साथ है। इसलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना, और बहुत मसीह भाई बहनों का जो कमेंट आता है उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कुछ वचनों के माध्यम से आज हम इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पहले वचन देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ जाते हैं और उस पार जाते हैं, अपने नगर में आया और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रख करके परमेश्वर के सामने लाते हैं। इस बात की, इस घटना को आपने देखा होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से उसको ठीक करते हैं और परमेश्वर के पास ला करके कहते हैं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसका विश्वास देख करके उससे लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप जो है क्षमा हुआ। ये परमेश्वर हमें ताकत देता है, क्योंकि जब हमारा विश्वास होता है, मजबूत होता है, तो परमेश्वर वचन यही कहता है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे और बेटियां, ढाढ़स बांध, विश्वास रख, धैर्य रख, पेशेंस रख, आपको भरोसा रखना है। क्योंकि जिस तरीके से उस लकवे के रोगी को परमेश्वर ने ठीक किया और उससे कहा, हे पुत्र तू ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। आज अगर हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते तो हमारे हर एक अपराध, हर एक पाप, हर एक प्रकार की बुराइयाँ खत्म होती हैं। इसीलिए आज आपको विश्वास रखना है। आज आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप अपने परिवार, फैमिली, माता पिता, भाई बहनों के साथ आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आज सभी लोगों को विश्वास रखना है। अपने आंखों को बंद करके इन वचनों में खो जाना है, आपको इन वचनों में बहुत ध्यान देना है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। जब वो लकवा का रोगी उसके पास लोग लाते हैं, तो उसका विश्वास देख करके, विश्वास था तभी तो उसके पास परमेश्वर के सामने आए हैं, उसका विश्वास था तभी तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। आज आपका विश्वास है तभी तो आप परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, तो इसी तरीके परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। जिस तरीके से लकवे के रोगी से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इसी तरीके से आपका परमेश्वर आपसे कहता है, जो बीमार हैं, जो दुख में हैं, चिंताएं में हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी समस्या उनके लाइफ में, जीवन में हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस प्रकार कई शास्त्रियों ने सोचा, यह सोच करके, तो ये जो शास्त्री वहाँ पे लोग थे, वो उस समय की घटना है जब मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, इस पृथ्वी पे थे, इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं थे, जो इसराइली थे और जो शास्त्री लोग थे वहाँ पे, जो बड़े बड़े पद पे ओहदे पर बैठते थे, वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर के बेटा है, केवल वो ये जानते थे कि परमेश्वर को जानते थे, और वो कहते थे कि आप प्रभु से, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु जो मन का जांचने वाला हमारा परमेश्वर है, वो हर एक बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है। यीशु ने उनके मन की बातें को करता है और कहता है और जानता भी है, जान करके ये भी कहता है, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो। देखिए वो मन की बातों को जांचने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए अपने मन में, अपने घर परिवार के प्रति, अपने दूसरे पड़ोसी के प्रति कभी भी हमें गलत विचार नहीं करना चाहिए। हमसे झगड़ा करता है तो हमें सुनना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, लेकिन कभी भी अन्याय का कभी साथ मत देना। कभी भी आपको कोई
जबरदस्ती आपको गलत कहता है, आपको फंसाता है, आपको बोलना चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, जो सत्य है वो सत्य है। इसीलिए परसे के वचन के अनुसार आपको चलना है, विश्वास के द्वारा खड़े होना है, बुराई का साथ नहीं देना है और न बुराई के साथ खड़े होना है। आपको लड़ना है, अगर आपको कोई भला और बुरा कहता है, आप बुरे नहीं हैं, आपके अंदर वो जबरदस्ती आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, तो आपको लड़ना होगा। आपको ताकत इतनी परमेश्वर देता है कि आपको उसके सामने खड़ा होना होगा, आपको बोलना होगा। क्योंकि अगर आज आपने उसके सामने अपने आप को गलत महसूस करते, अगर आपने गलती की है तो आपको सुन लेना चाहिए, आपको बात मानना चाहिए उसकी। अगर आपने गलती नहीं भी की है, एक बार क्षमा कर दो कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा अगर आपके जीवन में चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, आपके बच्चे हो, माता पिता भाई बहन हो, कोई भी किसी प्रकार का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, जो आपसे जानकार हो, संबंधित हो या ना हो, कोई अदर व्यक्ति हो, लेकिन आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, उसको कोड़े मारे गए, उसके ऊपर थूका गया, क्या परिसर ने क्षमा नहीं किया? क्षमा किया है, उसके लहू को बहाया गया, उसका कोई दोष नहीं था, किसी प्रकार का कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी उसे मारा गया। क्यों? क्योंकि वो हमारे पापों के लिए, हमारे पापों को, हम सभी मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए आप हमारा जो पाप है वो अपने ऊपर ले लिया। इसी तरीके से परमेश्वर ने जब उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, एक बात को हमेशा लाइफ में, ज़िंदगी में, जब तक आप जीवित हैं और हर एक मसीह भाई जब तक जीवित है, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, आपको पवित्र बनना पड़ेगा। इसीलिए जब वो अपने बेटे को छोड़ सकता है पाप के कारण, तो आपको भी छोड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने आप को, अपना लहू बहाया, अपने प्राणों की आहुति दी, उसने कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से आज हम चंगे हुए हैं, उसके लहू बहाने से आज हम पवित्र हुए हैं। इसीलिए विश्वास रखना, इस रात के समय जितने भी मसीह भाई बहने, ध्यान से वचनों को सुना करिए। ध्यान से सुनने के बाद आप परिसर के वचन के अनुसार प्रार्थना करिए, तब परिसर आपके जीवन बहुत आय से आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक तंगी स्थिति हो, बहुत सारी समस्या आपके जीवन में लाइफ में आ चुकी हैं, आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आपका कार्य नहीं होता है, आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो आपका कार्य पूरा नहीं होता है, लेकिन आज विश्वास के द्वारा इन वचनों को सुनने के बाद आपका विश्वास बढ़ेगा। जिस तरीके से लकवे के रोगी का विश्वास था, जिस तरीके से और जो सूबेदार के जीवन का विश्वास था, और जिस तरीके से शैतानों को परमेश्वर ने ठीक किया, निकाला, शैतानों को डांट करके निकाला, आज उसी तरीके आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख और तकलीफ हो, इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा अपने मुंह से कहना है आपको। जब प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन से, आपके मुंह से ये बातें निकलना चाहिए कि पिता मैं ये चाहता हूँ मेरे जीवन में ऐसा हो, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अभिषेक कर पिता मैं धन्य कहता हूँ। इसीलिए जितने मसीह भाई बहन हैं, आज आपको सुनना है और विश्वास रखना है। और पवित्र मसीह ये भी कहते हैं, जब उसके पास उसका लाते हैं उसके पास, और जो फरीसी लोग थे वो कहते हैं ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातों को जान लिया और यीशु मसीह फिर कहते हैं कि अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो, सहज क्या है, कहना क्या है, तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, जो मेरा पिता है, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी का पिता बनाया है, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारा भी पिता है और प्रभु यीशु मसीह का पिता है। इसीलिए हमारा एक अच्छा दोस्त हमारा परमेश्वर, यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह है, एक अच्छा भाई है, एक अच्छा बहन है। परमेश्वर के जो कहते हैं कि हमारी बहनें, वो सब कुछ है, चाहे वो आपके जीवन में मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, सभी लोग कहते हैं, क्योंकि सब के लिए सब बराबर है, वो एक छोटा बालक भी है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है ग्रहण करना, क्योंकि वो पवित्र है, वो हर एक एक मन में समाया हुआ है, वो हर एक एक कण में समाया हुआ है, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े भाई हो, कोई भी हो, किसी भी एज का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो हर एक एक कण में समाया हुआ है प्रभु यीशु मसीह। जिस नज़र से आप देखेंगे, उस नज़र से आपको परमेश्वर मिलेगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वही हमारा एक अच्छा दोस्त है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा एक परमेश्वर भी है। जिस नज़र से आप देखेंगे, उस तरीके से आपका परमेश्वर आपके सामने प्रकट है। इस बात को याद रखना, जितनी भी बहनें हैं, आप विश्वास रखना परमेश्वर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उस वो हर एक मन की बातों को जानने वाला यहोवा परमेश्वर है, वही हमारा सब कुछ है, जो आप माता पिता भाई बहन, हमारा सब कुछ वही है।
है, क्योंकि उसने कहा है कि जो मेरे वचन सुनते हैं वो मेरे माता हैं, जो मेरे वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं वो मेरी बहनें हैं। इसीलिए जो भाई मेरे हैं उसीलिए सबके लिए परमेश्वर ने कहा है कि मैं सब कुछ हूँ। जिस नज़र से आप मुझे देखना चाहते हैं, जिस नज़र से आप मुझे जानते हैं, उस नज़र से मैं आपके लिए हूँ। क्योंकि आप जिस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। पाप क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर को दिया गया है, इस बात को याद रखना। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ अपनी खाट उठा, अपने घर चला जा। वह उठ करके अपने घर चला गया। लोग यह देख करके डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। इस बात को याद रखना, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा खाट उठा और चल अपने घर जा, और वह चला गया। देखते हैं कितनी पावर, कितनी ताकत है परमेश्वर के वचन पर, कि वो लोग मुँह से बोलता है, ना कि उसको हाथ से छूता भी नहीं है, और कहता है चल उठ जा अपने घर। तो उठता है और अपना खाट उठाता है और वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी है बोलने में। इसीलिए आज आपको बिलीव करना चाहिए, आपको भरोसा रखना चाहिए कि हमारा मुँह ही है, हमारा जो मुँह है उसी के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसी को हम बुरा भी बना सकते हैं, इसी को अच्छा बना सकते हैं, इसी को हम पवित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और वचनों के माध्यम से हम आपको यही समझाना चाहते हैं, जो भी कुछ है, जिस तरीके से मृतक लड़की और बीमार स्त्री को परमेश्वर ठीक करता है, और विधवा के बेटे को जिंदा करता है, और लाजर को जिंदा करता है, उसी तरीके आपको भी, और जिस तरीके से परमेश्वर ने दो अंधों को दृष्टिदान से जो परमेश्वर ने ठीक किया, क्या आपके जीवन में इतना भी आपका विश्वास नहीं कि परमेश्वर मेरे जीवन की घटी और कमी को पूरा करेगा, मेरे जीवन में एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा? देगा। तो आइए चलते हैं अब प्रार्थना की ओर, और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें, और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा करे, हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक प्रकार की बीमारियों को चंगा करे, हर एक मुसीबत को देखे परमेश्वर। आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, और विश्वास और धैर्य के द्वारा पेशेंस रखना और भरोसा रखना कि मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, जो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मेरे जीवन में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हमने जो बातें की और जो आपको हमने समझाने की कोशिश की, उसी के माध्यम से आज हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय पिता परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, आपने धरती आकाश और पृथ्वी को रचा है, आपने सृजा है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें, किसी के पास बीमारी है पिता, उसके जीवन में हाथ रखें, वो चंगा हो पिता परमेश्वर। किसी के जीवन में घटी है पिता परमेश्वर, आर्थिक समस्या बहुत खराब है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बीमारी है पिता परमेश्वर, उसके घर में पिता परमेश्वर, उसके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं पिता, इनके जीवन में पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में पिता परमेश्वर, किसी को जॉब की जरूरत है, किसी को बीमारी की जो जरूरत रही पिता परमेश्वर, उसके जीवन में जो घटी हो चुकी है परमेश्वर, बीमारी की वजह से पिता परमेश्वर के जीवन में जो थी उसके द्वारा पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आ चुकी है, बहुत सारा दुख आ चुका, बहुत सारी तकलीफें आ चुकी है पिता, उसके जीवन को आप छुएंगे पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज इनकी प्रार्थना को आप सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी ताकत, आप हमारी ढाल है पिता परमेश्वर, आप मेरे सच्चे परमेश्वर, आप मेरे सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर। आज इन मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रख करके इनको इनको चंगा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन पर विश्वास रखते और भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, आज इनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, चाहे भी किसी भी चिंता में हो, डिप्रेस में हो, मुसीबत में हो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए, उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। जिस समय आपके वचन पर चलने की कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हृदय के विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके जीवन से पिता परमेश्वर सीख सके पिता परमेश्वर, और नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए, क्योंकि
डर्टी सोच है, जो ओवर थिंकिंग है पिता परमेश्वर, आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से, आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के शक जाएगा जो पति और पत्नी के बीच में है और अदर किसी रिलेशनशिप में पिता परमेश्वर किसी प्रकार का कोई शक है, किसी प्रकार की कोई जीवन में कोई घटित और घटना होने वाली यीशु मसीह के नाम से आज उनको चंगा करने जा रहे हैं, आज उनको प्लेस करने जा रहे हैं, आज उनके जीवन की देख रेख करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर, आपके जीवन बहुत आय से आपको जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आज हर प्रकार के तमाम प्रकार के क्लेश को दूर करेगा परमेश्वर, क्योंकि संसार में बहुत सारा क्लेश है, दुख है, मुसीबत, उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और डिप्रेशन भरे, चिंता भरे पिता परमेश्वर का मन जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करिए, रिसीव करिए आज प्रार्थना को, रिसीव करिए परमेश्वर, आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपकी जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने जा रहा है पिता परमेश्वर, आज आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, इसलिए धन है पिता परमेश्वर की आज उनके जीवन को आप छूने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज उनको आशीष देने जा रहे हैं, उनकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, आज आप हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, नेगेटिव सोच आने वाली है, जो ओवर थिंकिंग होती है यीशु मसीह के नाम से वो जाने वाली है, हर प्रकार के शक और विचार जाने वाली यीशु मसीह के नाम से, तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चाहे कितना भी चतुर शैतान क्यों ना हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज उसके जीवन को छोड़ के ही जाने वाला है पिता परमेश्वर, आज उसके जीवन को छोड़ के जाने वाला है पिता परमेश्वर, आज उस आपके जीवन को छोड़ के जाएगा, कोई शैतान आपके जीवन को छोड़ के जाएगा, आपको डांटना है, आज जो आपको बोलना है, आज आपको डांट के भकाना है यीशु मसीह के नाम से, आज जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज शैतान हर प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु हो, निर्बलताओं हो, अनेक प्रकार की समस्याओं, सबको जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के रोग, असाध्य रोग, अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सब वो चलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आज आपकी जीवन की सब चिंताएं, हर प्रकार के जो बंधन पड़े हैं, हर प्रकार के जो मार्ग बंद पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज आप वो खुलेगा, आज आप परमेश्वर आपको नया मार्ग देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर आज के जीवन को हटाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हर प्रकार के जो बंधन आपके श्राप के बंधन है, किसी भी प्रकार का कोई दुष्ट आत्मा से बंधन बंधा यीशु मसीह के नाम से, वो टूटने जा रहा है, वो खुलने जा रहा है, आपके जीवन में एक नया मार्ग आने वाला है, विश्वास रखिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर, मेरे जीवन में काम करने जा रहा है पिता परमेश्वर, छूए जा रहा है परमेश्वर आपको, छूने जा रहा है पिता, अपने आपको बंद करिए और कहिए कि पिता परमेश्वर मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे बीच में हैं, आप मेरे साथ इस समय उपलब्ध है पिता परमेश्वर, मेरे साथ आप हैं इस मसीह के नाम से, मैं महसूस कर रहा हूँ पिता, विश्वास करता हूँ इस मसीह के नाम से, आज मुझे छूने जा रहे हैं पिता, आज मुझे चंगा करेगा परमेश्वर, आज मेरा जिंदा जीवती हो मेरे साथ है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, आज आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आज आपके हर एक अंगों को परमेश्वर छूने जा रहा है, यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रख लीजिए ताकि परमेश्वर आपकी जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक बीमार अंगों को चंगा करे, हर एक जरूरतों को पूरा करे, आज आपके जीवन में किसी मसीह भाई बहन के जीवन को पेट दर्द कर रहा, सिर दर्द का, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किसी प्रकार की कोई भी घटना क्यों ना उसके जीवन में घट रही यीशु मसीह के नाम, उसके सिर पे हाथ रखिए और प्रार्थना के द्वारा डांट के भगाइए यीशु मसीह के नाम से, आज वो चंगा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आज उसको चंगा मिलेगी, आज उसको चंगाई मिलेगी आज यीशु मसीह के नाम से, वो गवाही देगा, वो गवाही देगा, आज अपनी गवाही भी देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, हर प्रकार के बीमारी को, रोगाणु को, विषाणु को, निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर, और जो अब बीमार है मसीह के नाम से आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, जो निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर उनको आप सहायता देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आपने धरती आकाश और पृथ्वी को सृजा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं यीशु मसीह के नाम से, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा चाहे वो अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी प्रकार के दो रोग यीशु मसीह के नाम से आज जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां, बीमारियां अनेक प्रकार की सही जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार उनके दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से,
आज उनको छू मेरे परमेश्वर, आज उनको छू मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें जीवन पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर उन्हें छू मेरे परमेश्वर, उन्हें छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से, आज उनके जीवन की जरूरतों को पिता परमेश्वर छू, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता यीशु मसीह के नाम से, रोगाड़ू बिछाड़ू और निर्बलताओं से उनकी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर के कैंसर, हार्ट के कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, जो भी मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने चाहिए इस मसीह के नाम से, सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से, जैसे पथरी, खून की कमी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, कब्ज, सीर, पिंपल्स, जो स्किन प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, दाग धब्बे आ चुके हैं पिता परमेश्वर, किसी के बॉडी में खून की कमी आ चुकी है पिता, उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे और बेटियां इस समय आपसे प्रार्थना और विनती करते इस मसीह के नाम से, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से, आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो आपसे विनती करते हैं, वो आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपके साथ पिता परमेश्वर खड़े से लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, चाहे किसी प्रकार की मधुमेह की बीमारी इस मसीह के नाम से, पथरी की बीमारी इस मसीह के नाम से, खून की कमी हो पिता परमेश्वर, उसकी गांठ की सूजन आ चुकी है पिता परमेश्वर, पीलिया हो चुकी है पिता परमेश्वर, खाली खांसी आती है पिता परमेश्वर, उसके जीवन को आप छूने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से, विश्वास रखिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर, आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने जा रहा है पिता, आपके जीवन में आ चुके हैं स्वर्गदूत, आपके साथ खड़े हैं इस मसीह के नाम से, आज आपके छूने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आज आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें इस मसीह के नाम से, आज वो आप पर दया करेगा, आज वो आप पर करुणा करेगा, आज वो आप पर दया करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, जो मेरी बहनों के जीवन पिता परमेश्वर स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, फेस में पिंपल से समस्या के नाम से, आज उसको चंगा करी समस्या के नाम से, चंगा करी समस्या के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, उन पर दया कर पिता परमेश्वर, उन पर दया करी समस्या के नाम से, आज वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से, चाहे वो किसी प्रकार का ज्वार हो, चक्कर आता पिता परमेश्वर, लकवा पिता परमेश्वर, जो पैरालाइज होता है इस मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, चाहे वो दाद हो, खुजली हो, किसी प्रकार के सिर दर्द, टीबी की बीमारी हो, नींद ना आना पिता, हाई बीबी ब्लड प्रेशर हो जाना इस मसीह के नाम से, काली खांसी, निमोनिया, तमाम तरह के पिता पर सब बीमारियां, रोगाड़ी बिछाड़ निर्बलता इस मसीह के नाम से, किसी को घबराहट हो रही, उलझन हो रही इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से, उनकी जीवन की हर घबराहट को, हर एक उलझन को, हर प्रकार की गठी, हृदय रोग को पिता परिसर, फिजिकल प्रॉब्लम, मानसिक रोग, बीमारी इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द दूर होने जा रहे इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के दर्द दूर होंगे इस मसीह के नाम से, जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक घटी और कमी के घर के लिए, परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से, आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन की देख रेख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कर्जे के लिए प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, इस समय श्राप के बंधन से बने हुए इस मसीह के नाम से टूटने जा रहा है, टूटने जा रहा है, आपका हर एक प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप के दरवाजा खुलने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के कर्जे आपके जो दबे हुए हैं, आप जो कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है, आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आप शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, आज उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, आज उसको ब्लेस कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के परमेश्वर से आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर छू मेरे परमेश्वर, आपके वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया, आपके वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया, आज इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, इनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती करते हैं, प्रेम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, इनके जीवन बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता परमेश्वर, ये आपकी गवाही को देख पिता परमेश्वर, ये आपके जीवन की हर जरूरतों परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है, विश्वास रखना, विश्वास करना, रिसीव करना इस प्रार्थना को, रिसीव करना, रिसीव करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करे, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा हो पिता, आपने छुआ इनको पिता परमेश्वर, इनके जीवन में काम किया, इनके जीवन बहुत बड़ी गवाही दे रही है, नाम से बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।